बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज रमजान स्पेशल में मैं आपके लिए कुल्फा बनाने की रेसिपी लेकर हाजिर हुई, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकते। तो चलिए देखते हैं कि कुल्फा बनाने के लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए मैंने एक कप जो है वो पाउडर फॉर्म शुगर ली है, एक कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है, एक कटोरी जो है हमने पिस्ता बादाम बारीक कट कर लिए हैं, चार जो है हमने बड़े स्लाइस ले लिए ब्रेड के, इनको किनारों समेत हमने इस्तेमाल करना है, 200 ml जो है हमने क्रीम का इस्तेमाल करना है, और ये मोल्ड हम रखेंगे कुल्फे को फ्रीज करने के लिए। तो अब मैं करती हूँ इनको साइड पे, और इसके साथ आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने 1.5 लीटर जो है वो दूध लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रेड को चॉप करते हैं। तो चलिए ब्रेड को चॉप करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम क्या करते हैं, ब्रेड के चारों स्लाइसों को, ये चार ब्रेड के स्लाइस हैं, इस चॉपर के अंदर जो है हम तोड़ तोड़ कर डालते जाएंगे और इसको चूरा बना लेंगे। अब हम इसको चॉपर पर लगाकर चॉप करते हैं। अब मैं इसको चॉप करने लगी हूं। चलिए अब हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से चॉप हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो ब्रेड है वो अच्छे से चॉप हो गई है, हमने इसको किनारों के समेत लिया था। अब हम इसको एक पैन में डालकर रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है, और कोई घी ऑयल कुछ नहीं डालना आपने, जस्ट ये ब्रेड क्रम्स डालने हैं। अब हम इसको 5 से 7 मिनट तक जो है वो रोस्ट करेंगे। ये देखें, इसको मैंने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। जैसे ये हल्की सी रोस्ट होगी, गोल्डन कलर पकड़ेगी, हम ब्रेड को उतार कर ठंडा कर लेंगे। जो ब्रेड है हमने इसको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का सा गोल्डन शेड देना है। मैं चम्मच मुसलसल इसलिए इसमें हिला रही हूं ताकि अच्छे से कलर आए इक्वली। ब्रेड जो है वो अच्छे से गोल्डन कलर में आ चुकी है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ब्रेड जो है वो हमारी अब ठंडी हो चुकी है। अब सारी चीजों को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो ब्रेड क्रम्स है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, जिस ब्रेड को हमने रोस्ट किया था। अब हमने क्या करना है, इस रोस्टेड ब्रेड को चॉपर में डालेंगे। हमने रोस्टेड ब्रेड को चॉपर में डाल लिया है, इसके साथ हम इसके अंदर ये चीनी अपनी शामिल करेंगे पाउडर फॉर्म वाली, ताकि ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके साथ मिल्क पाउडर, कुछ मैं नट्स बचा लूंगी और कुछ जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जो बचे हुए नट्स हैं वो हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इन सबको मिक्स करने लगी हूं। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारा जो कुल्फे का मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई के अंदर मैंने 1 किलो जो है वो दूध लिया और इसको उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया। अब हमने क्या करना है, वक्फे वक्फे के साथ इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है। इसको हमने तब तक इसमें चम्मच चलाते जाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो दूध है वो पकने लग चुका है। मैंने मुसलसल इसके अंदर चम्मच चलाती रही हूँ। अब जो है हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। अंदाजन मैं आपको बता देती हूँ कि हमने 6 से 7 मिनट तक इसको दूध को पकाया है, और अब जो हम अपना कुल्फा मिक्स दूध के अंदर शामिल करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और चम्मच को आपने मुसलसल हिलाते जाना। अब मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है।
अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा हो जाए। नीचे से मैंने आग जो है वो मीडियम कर दी है। हमारा जो मिक्सर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर रही हूँ। इसको बस आपने अच्छे से मिक्स करना है और अब हम इससे कुल्फा जमाएंगे। हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हमारा जो मिक्सर था वो ठंडा हो गया है। मैंने इस मोल्ड में भी इसको डाल लिया है। अब हम इसको फ्रीजर में रखने लगे हैं पूरी रात के लिए। फिर कल जब सुबह अच्छे से जम जाएगा तो हम इसको निकाल कर सर्व करेंगे। अब जिन व्यूअर्स के पास ये वाला मोल्ड नहीं है उनको मैं ये बताने लगी हूँ कि आपने इस तरह का कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लेना। दोनों ही सूटों में ये बड़ा अच्छा जम जाता है। तो चलिए अब हम इसको फ्रीजर में रखते हैं पूरी रात के लिए। ये देखें व्यूअर्स, अब जो हमारा कुल्फा है वो बिल्कुल जमकर रेडी हो चुका है। मैंने इसको पूरी रात फ्रीजर में जमने के लिए छोड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये जम गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम इसको इसमें से निकालते हैं। ये देखिए अब हम मैं इसको निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं कि बासानी बहुत अच्छे से हमारा जो कुल्फा है वो हमने निकाल लिया है मोल्ड में से। अब मैं छुरी की मदद से इसके स्लाइस करूंगी। अब हम इसके स्लाइस कर लेंगे छुरी की मदद से। चल ये देखें, ये सारे पीसेस इसके अच्छे से कट हो गए। अब हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने ये कुछ बादाम का पाउडर लिया है, कोकोनट पाउडर और साथ में थोड़ा सा हमने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसको गार्निश करेंगे। अब हमने कुल्फे को अच्छे से गार्निश कर लिया है और इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये डिश कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।